हेलो, मैं आनंद मिश्रा। और कैसे हैं बच्चों आप लोग? आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बताऊंगा। ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, यानी केमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन में आज आपको पढ़ाऊँगा। केमिस्ट्री रिडॉक्स रिएक्शन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स इन देयर एलिमेंटल स्टेट। केमिस्ट्री में रिडॉक्स रिएक्शन यानी रिडॉक्स अभिक्रियाएँ में ये चैप्टर है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स इन देयर एलिमेंटल स्टेट इज टेकन एज ज़ीरो। यदि हमारा कोई भी एटम अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, कैसी स्टेट में है? अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, एलिमेंटल स्टेट में, तो टेकन एज ज़ीरो, हम उसको क्या लेते हैं? ज़ीरो लेते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक एटम होगा। यदि मोनो एटॉमिक एटम होता है, जैसे Na+ कैटायन होगा, तो हम उसको +1 ले लेते हैं, टेकन एज +1। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 विच प्रेजेंट विथ नॉन मेटल। नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 व्हेन प्रेजेंट विथ नॉन मेटल्स, और नॉन मेटल्स होगा तो, एंड -1 व्हेन प्रेजेंट विथ मेटल्स। फिर समझ लीजिए, केमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स इन द एलिमेंटल स्टेट यानी अपनी एलिमेंटल अवस्था में इस टेकन एज ज़ीरो, जब भी होगा टेकन एज ज़ीरो लेंगे। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोनो एटॉमिक एटम, जैसे Na+ होगा तो हम उसको एज अ +1 लेंगे। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यदि हम देखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज होगा तो +1 लेंगे। वाइल प्रेजेंट विद नॉन मेटल, यदि होगा तो हम उसकी -1 लेंगे विद मेटल्स। ऑक्सीकरण संख्या यानी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण अवस्था किसी यौगिक में बंधे हुए किसी परमाणु के ऑक्सीकरण के दर्जे का सूचक होता है। ये संख्या गिनती कि उस यौगिक के रासायनिक बंध में वह परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन उस यौगिक में स्थित अन्य परमाणुओं को खो चुका है। इसका मतलब ये होता है, ये संख्या गिनाती है कि उस यौगिक के रासायनिक बंध में वह परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन उस यौगिक में स्थित अन्य परमाणुओं को खो चुका है। यानी जो हमारा एटम है, एटम कितने इलेक्ट्रॉनों को लॉस या गेन कर चुका है, यह अवस्था क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अवस्था। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अवस्था। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। अब मैं आपको कुछ नियम बताने वाला हूँ, ये नियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला नियम हमारा आता है कि तत्वों में स्वतंत्र, यदि हमारा एलिमेंट कैसा है इंडिपेंडेंट है, किसी भी कंपाउंड में नहीं है, अकेला रहता है, तो उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो कैसी होगी? ज़ीरो होगी। क्यों? जैसे Cu हो गया, Ni हो गया, आपका सोडियम हो गया, आपका Fe हो गया, आपका Cl2 हो गया, आपका Mg हो गया, आपका F2 हो गया, तो इन सबकी आपको कितनी ले लेना है? ज़ीरो ले लेना है। कितनी ले लेना है? ज़ीरो ले लेना है। ध्यान रखना है, दूसरा वाला जो तरीका है मैं आपको बता दिया, केवल एक परमाणु वाले आयन में परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या उस आयन में स्थित आवेश के बराबर होती है। यदि कोई आयन है तो आयन का जो चार्ज होगा वही उसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन नंबर होगी, यदि वो अकेला होगा तो। समझ रहे ना? जैसे Cu+ की बात करें तो 1 हो गई, यदि हम Cu2+ की बात करें तो 2 हो गई, यदि हम Fe की बात करें Fe2+ की तो 2 हो गई, यदि हम Fe3+ की बात करें तो 3 हो गई, इसी प्रकार से यदि हम Cl- की बात करें तो -1 हो गई, यदि हम यहाँ पे Br- की बात करें तो -1 हो गई। तो ये आयन्स के बारे में बात कर रहे थे हम, ठीक है। इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं तीसरे वाले पार्ट में भी आप देखेंगे कि किसी किसी की 2 भी होती है, 3 भी होती है, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे, जैसे हमारा एक हमारा O होता है, O यानी ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन।
तीन टाइप के कंपाउंड आता है, एक तो होता है ऑक्साइड जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होती है -2, एक होता है आपका परऑक्साइड, परऑक्साइड में इसकी होती है -1 यानी आधी हो गई, और एक होता है सुपरऑक्साइड, सुपरऑक्साइड में क्या होता है और आधी हो जाती है यानी -1/2 हो जाती है। इसका मैं आपको एक एक एग्जांपल भी बता रहा हूँ, जैसे ऑक्साइड का एग्जांपल तो हो गया आपका H2O, परऑक्साइड का एग्जांपल हो गया आपका H2O2, ध्यान रखना है। और इसमें आपका जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कितनी हो गई, KO2 एक एग्जांपल हो गया पोटेशियम सुपरऑक्साइड, और एक हो गया RbO2 यानी रुबिडियम सुपरऑक्साइड, ठीक है। ये तीन पॉइंट हो गए। चौथा वाला पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ हाइड्रोजन के बारे में बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। हाइड्रोजन जो अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है कि मेटल है या फिर नॉन मेटल है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ की नॉन मेटल जैसी हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ तो नॉन मेटल जैसी हैं, लेकिन इसको मेटल में रखा जाता है। पोजीशन इसकी कहाँ पे है, मेटल्स के बीच में है, तो विशेष ध्यान रखना है। ये वाली बात कैसे समझाएंगे, देखिए इसमें आपका मैं आपको बता रहा हूँ दो कंपाउंड के बारे में बता रहा हूँ। एक तो मैं आपको बता रहा हूँ LiH, इसमें भी आपकी इसकी कितनी रहती है -1 रहती है। CaH2 इसमें भी इसमें -1 रहती है, और आपका NaH इसमें भी इसकी -1 रहती है। लेकिन हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन की स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इसकी कितनी होती है +1 होती है, लेकिन जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे आयनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोजन की -1 होगी, ध्यान रखना है हाइड्रोजन की -1 होगी। फिर हमारा सभी यौगिकों में फ्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। जो हमारा फ्लोरीन होता है, अगला वाला जो पॉइंट है पाँचवा पॉइंट के बारे में जो बात कर रहे हैं, फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से F की ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ F जो होगा वो हमेशा कैसा रहेगा +1 हमेशा रहेगा, ध्यान रखना है। फिर अगला वाला जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, इसमें दिया है कि यौगिक में सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजीय योग 0 होता है। जैसे कि हमने ले लिया आपका C6H12O6, जब आप इसका निकालेंगे तो 6 × C रख देंगे +12 × H रख देंगे +6 × O रख देंगे =0 लेंगे, हमेशा ध्यान रखना है =0 लेना है। तो यहाँ पे आ गया आपका 12 का आपने कितना रख दिया +1 रख दिया, 6 का O का कितना रख दिया -2 रख दिया, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 6 × 12 हो गया, और 12 यानी 24 यानी 6 × 4 रखना है, कितना रखना है 4 रखना है। अब यहाँ पे सॉल्व करा आपने तो आपने देखा 6 × 4 जी होगा कितने 24, और H कितनी यहाँ पे क्या रखो, कितनी रखोगे H की रखोगे यहाँ पे -1, कितनी रखोगे -1 रखोगे, ध्यान रखना है आपको, तो -1 रख दी तो जो हो गया -12 और 6 × −12 =0 यानी आपका आ गया 0 = 0 यानी किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स की टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, ठीक है ना। अब मैं आपको इसमें एक आधा एग्जांपल बता दे रहा हूँ, जैसे मैं एक आध का निकाल के दिखा रहा हूँ आप लोगों को, मैं दिखा रहा हूँ मैं MgSO4 में S की निकाल के दिखा रहा हूँ, तो कैसे निकालेंगे Mg+S+4 × O = 0, तो Mg की हमने +2 रख दी, S की हमने ऐसे ही रख देते हैं +4 × −2 रख दी =0। अब हमने देखा यहाँ पे हमारा 2 है, ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे S है, और यहाँ पे 4 × −8 = 0, हमने देखा S-6 = 0 यानी S की वैल्यू कितनी आ गई +6 आ गई। इसके कई और एग्जांपल्स मैं आपको दे दूंगा जिसे आप लोग सॉल्व करें, और ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं, और इसमें एक से एक सारी चीज़ें क्लियर कर लें, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसकी डेफिनेशन कर लें, और जो ये 6 पॉइंट हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में इसकी सबसे बड़ी अहम भूमिका होती है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। थैंक्स फॉर सीइंग दिस वीडियो, और कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो में मिलने वाली जानकारी आपके कितने समझ में आई, और इसके साथ साथ इसके जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं ये अच्छे से याद कर लें। थैंक यू वेरी मच।